सिपी सिंह जी, आप एक बात बताइए कि अभी जो एक भीम आर्मी संगठन है वो उसके जो संचालक हैं या जो बड़ा चेहरा है वो चंद्रशेखर का है, और उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीजिंग करी थी और उसमें बोला था कि मैं बसपा के साथ हूं, लेकिन जहां से मोदी लड़ेंगे या स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगे मैं उनको हराने का काम करूँगा उस सीटों पर, या फिर बसपा के समर समाज के किसी गैर को टिकट जाएगी तो मैं भी उसका विरोध करूँगा और वहाँ पर भीम आर्मी के कैंडिडेटों को उतारूंगा, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप, उसके बारे में खुलासा करें। देखिए, हमारे नेता ने पहले ही मतलब खुलासा कर दिया था कि जो भीम आर्मी बनी है जी, ये BSP के अगेंस्ट मतलब जो ना काम कर रही है जी, और ये दूसरे के हाथों में खेल रहे जी, जो लोग दूसरे के हाथों में खेलेंगे जी तो वो निश्चित रूप से मतलब जो ना समाज को गुमराह करने में लगे हैं जी, और समाज इस समय समझाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उससे मतलब पता लग जाएगा कि छोटे छोटे संगठनों को चलाने से या ऐसे संगठनों में लोगों को साथ खड़े होने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं जी, क्योंकि संगठन में ताकत नहीं है जी, ताकत राजनीति के अंदर है जी, वो सत्ता के अंदर है जी। अभी हम लोग मध्य प्रदेश में मतलब मुझे बहन जी ने प्रभारी बना के भेजा था जी, तो मैं उधर गया तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी की 2 सीट जीती, BJP की वहां सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनी, कांग्रेस वहां 214 जीती, 216 सीट मतलब जी ना वहां पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाहिए थे जी, तो हमने 2 सीट से उनको समर्थन किया जी। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी उनके 99 सीट थी, हम लोगों ने 6 जीती, तो उनको वहां भी हमने समर्थन देने का काम किया। 15 दिन बाद ही मतलब जी ना बहन कुमारी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 2 अप्रैल की घटना में जो हमारे नौजवान बच्चों पर यदि इन लोगों ने वो केस दर्ज किए तो उनको तुरंत वापिस लिया जाए और नहीं तो मैं अपना समर्थन वापिस लेती हूँ। तो अगले दिन ही मतलब ना दोनों मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और वहाँ के सारे केसों को खत्म करने का काम किया। क्या गया जी, सारे केसों को खत्म करने का काम किया जी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जी, कि ताकत संगठन के अंदर है जी, और संगठन के आधार पर ही हमें मतलब ना लोगों को जाना चाहिए जी। उनका कोई संगठन नहीं है, उन्होंने कहा हम सोशल मतलब ना समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो यदि समाज के जो हमारी मुखिया है, जो नेता है, जिनको पूरा देश आप नेता मानने के लिए तैयार है और मान रहा है मतलब, तो इस समय उनको भी मतलब साथ में आना चाहिए था जी। मगर यदि वो ऐसी घोषणा कर रहे तो निश्चित ये अब पुनः साबित हो जाता है कि जो बहन कुमारी महती ने जो बातें कही थी कि ये संगठन के मतलब जो खिलाफ लोग हैं जी, ये मतलब जो ना ये लोग समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, तो उससे मतलब ये साबित हो रहा है और देखने के लिए लोगों को मिलेगा। तो इसलिए इन छोटे संगठनों से मतलब ना मतलब जो दूसरी पार्टी के लोग उनको उकसा रहे हैं, उनके हाथों में वो खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और इनसे दूर हटके मतलब जो हम लोगों को जो सबसे बड़ी पार्टी है जो आज देश के अंदर BJP कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी वोट के आधार पर रिजल्ट के आधार पर ये गया है तो बहुजन समाज पार्टी है जी। तो हमें बहुजन समाज पार्टी की ताकत को मजबूत करना चाहिए और जनता देख रही है, उन्होंने कहा हम सोशल में तो किसी के साथ जा सकते हैं मगर जहाँ वोट की बात है तो वोट हमारा बहन कुमारी महतो जी को, उसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो इनको सब मतलब जनता देगी। तो इसलिए मतलब जो ना इन मतलब छोटी मोटी मतलब इन लोगों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं ऐसा मेरा मानना है।